हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे लीड जनरेट फंक्शन की टेक सॉफ्टवेयर में। लीड जनरेट से मतलब है कि हम अपने सप्लायर या वेंडर या कस्टमर से जो भी बात करते हैं या जो भी हमारी उनसे बातचीत होती है किसी पर्टिकुलर डे पे, और उसका फैसला किसी नेक्स्ट डेट पे किया जाए या उसके लिए डिसीजन मेकिंग डेट कोई और दी जाए, तो उसको हम फॉलो अप डिटेल कहते हैं। उन फॉलो अप डिटेल्स को ही हम लीड जनरेट में फिल करते हैं। आइए देखते हैं टिक सॉफ्टवेयर में किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लीड जनरेट को क्लिक करेंगे, न्यू। मान लीजिए हमारी कोई पार्टी है जिससे हमारी लीड जनरेट होनी है, उस पार्टी का नाम डालेंगे। प्रिंट नेम एंटर करेंगे, वो डेप्टर है या क्रेडिटर है वो हम सिलेक्ट करेंगे। कंपनी को अगर हम कोई कोड देना चाहते हैं तो वो कोड देंगे। कंपनी की इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, ये सब हम फिल करेंगे। उसके बाद हम फॉलो अप डिटेल डालेंगे। फॉलो अप डेट, मान लीजिए हम आज की डेट डालते हैं कि आज हमने इस पार्टी से बात की, क्या बात हुई, नेक्स्ट फॉलो अप डेट हमारी बात रही कि उसने हमें उसे सॉफ्टवेयर का डेमो देना है और उसने कहा कि आप आज नहीं, आप हमें 20 तारीख को डेमो दीजिए और हम इसको सेव कर देंगे। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, एक तो आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा कि कब क्या फॉलो अप हो रहा है, और उसके बाद हम उसको डायरेक्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ऐड कर सकते हैं। हमें चार्ट ऑफ अकाउंट, जिस दिन हमें लगेगा कि इसकी डिटेल्स क्लोज हो गई है, फॉलो अप क्लोज हो गई है, लीड बन गई है ये, तो उसको हम उस दिन डायरेक्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा लीड जनरेट भी पूरा हो जाएगा और हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा, हमें दोबारा से डिटेल एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था लीड जनरेशन टिक सॉफ्टवेयर में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tickforgrowth.com पर विजिट कर सकते हैं। डेमो के लिए मिस कॉल कीजिए 7533016990 पर, या फिर हमें मेल ड्रॉप कीजिए sales@tickforgrowth.com पर। थैंक यू वेरी मच।